80 के दशक से अब तक चीन ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी थी उसकी पूंछ पहली बार अमेरिका ने पकड़ी है। चीन बेहद ही चतुराई भरे अंदाज में अपने उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात कर रहा था, यानी कि चीन किसी भी मुल्क में निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम। अमेरिका के साथ भी चीन का यही व्यवहार चल रहा था। वह अमेरिका से अधिकांशतः कच्चा माल आयात करके फिर उसी से तैयार उत्पादों को अमेरिका और अन्य देशों में निर्यात करता रहा है। मलेशिया के साथ तो चीन ने इससे भी बड़ा खेल रचा। उसने इस मुल्क से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे और उन्हें एक नए रूप में ढालकर मलेशिया को ही बेच दिया। यही वजह रही कि दुनिया के ज्यादातर देशों का चीन के साथ निर्यात घाटा बहुत बढ़ा हुआ है, जबकि चीन अपने खजाने को अकूत भंडार में तब्दील करने में कामयाब रहा। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अधिकतर देश चीनी प्रोडक्ट की चमक दमक में इतने खो चुके थे कि वह चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रवाद को एक बड़ा हथियार बनाया। वर्ष 2018 तक ट्रंप ने चीन के 400 से अधिक उत्पादों पर 25 से 30 फीसदी तक ड्यूटी बढ़ाकर चीन को घुटनों पर ला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी प्रोडक्ट की चकाचौंध में डूबी दुनिया जगने लगी। अमेरिका की कार्रवाई से चीन को अपना बाजार धराशायी होता नजर आया तो उसने क्षेत्रीय व्यापारिक मंचों की तरफ रुख करना शुरू किया। मतलब आरसेप जैसे व्यापारिक मंच से वे अपने व्यापार घाटे की पूर्ति करना चाह रहा है। आरसेप के द्वारा चीन आसियान के 10 देशों के अलावा भारत, जापान, न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी अपनी चाल में लेने की कोशिश कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जापान की क्रूरता के पाठ चीन में पढ़ाकर उनमें जापान के प्रति नफरत भरी जाती है, अब चीन ने उसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करके दुनिया को चौंकाया है। टोक्यो की खाड़ी के दक्षिण में जापान के साथ युद्धाभास करके चीन ने नई भारत लिखने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत भी चीन ने ही की थी। नवंबर 2017 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वियतनाम के शहर दानांग में हाथ मिलाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। पर यह सब अकारण नहीं है, बल्कि चीन अपना व्यापारिक साम्राज्य बचाए रखने के लिए हर वो पैंतरा अजमा रहा है जो उसका दबदबा बनाए रख सकता है। परंतु चीन की यह चाल भी अब कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बैंकॉक में आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी चीन के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। मोदी ने साफ कर दिया है कि जब तक आयात निर्यात में बराबरी नहीं आएगी, भारत को यह समझौता स्वीकार नहीं होगा। दरअसल आरसेप क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदारी समझौता है। आरसेप के समझौते पर वर्ष 2012 से ही बातचीत चल रही है, जिससे जुड़ने पर भारत को आयातित वस्तुओं पर लगने वाले कर में 80 से 90 फीसदी तक की कटौती करनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में चीन को ही इसका भारी लाभ होगा। चीन के चमक दमक वाले घटिया उत्पाद पहले ही सस्ते हैं, 80 फीसदी शुल्क कम करने से वे और भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारतीय व्यापारियों, उद्यमियों और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पर चीन अभी भी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने फिर से भारत पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग स्वांग ने कहा है कि चीन भारत का इस सौदे में शामिल होने का स्वागत करता है। आरसेप खुला है, हम भारत द्वारा उठाई गई हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। दरअसल आरसेप के भारत के अलावा 15 देश और हैं, पर उनमें से चीन को छोड़कर कोई भी उतावला नहीं दिख रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार भी भारत को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन भारत के बड़े बाजार को देखते हुए चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। अमेरिका में उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बराबरी के आयात निर्यात पर अड़ गए हैं। जापान में चीनी उत्पादों की डिमांड नहीं है। ऐसे में दुनिया की एक बड़ी मार्केट को चीन अपने हाथों से निकलता नहीं देख सकता है। जनता के लिए गौरव की बात यह है कि वर्तमान सरकार दुनिया के किसी भी देश के दबाव के आगे झुकने के खिलाफ है और राष्ट्रहित में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने यह कहकर दुनिया को संदेश भी दे दिया है कि वे दिन चले गए जब भारत दबाव में आकर फैसले लिया करता था। यानी चीन का झंडा जो 3.5 दशक से गगन की तरफ बढ़ रहा था, अब उसके नीचे उतरने का वक्त आ चुका है। शुरुआत अमेरिका ने की थी, परिणाम तक भारत पहुंचाएगा।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।